टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारे हाउस बैंड और सिंगर काशिफ भाई एंड द करार बॉयज। काशिफ भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे लग रहा है वलीमे से आ रहे हैं या वलीमे में जाने वाले हैं? मैं जाऊंगा। जाएंगे? वेरी गुड। और ठीक ठाक मजे में हैं? जी बिल्कुल वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी थालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अधीरम जॉन। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आदि भाई? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल जबरदस्त हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मजा आ रहा है। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपकी शर्ट पे NY क्यों लिखा हुआ है? NY लिखा है क्योंकि वीजा तो लग नहीं रहा, तो मैंने कहा शर्टों से तो कम से कम पहुंचे वहाँ। ये इजी गया। वेरी गुड। आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ नहीं चल रहा, काम चल रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, महंगाई का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। पेट्रोल महंगा और है तो सुना है जहेज में आजकल पेट्रोल दिया जा रहा है। अच्छा, बहुत महंगा हो गया। मैंने सुना कुछ शोज में भी पेट्रोल देना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, सोना वोना रोक दिया, कहने पेट्रोल दो। हाँ सोना क्योंकि सस्ता हो जाएगा, थोड़े ही दिनों की बात है। अच्छा, और पेट्रोल महंगा हो जाएगा और मेरी दुआ है कि इसी तरह पेट्रोल महंगा होता रहे। क्यों? क्योंकि अगर मारना है तो फिर एक ही बार मारे ना। अच्छा, हल्का मारने से कुछ होगा नहीं। एक बड़ा अच्छा ट्रेंड हमारे यहाँ चलता आ रहा था, बीच में एकदम कहीं खो गया था, लेकिन फिर वो ट्रेंड मैंने सुना वापस आ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने सुना कि जिया साहब ने जो है वो रोमियो जूलियट डायरेक्ट किया, और अभी एक और भी प्लेस सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? थिएटर को हमारे हमेशा बहुत ही पीछे रखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है थिएटर को बहुत जरूरत है फरोख देने। देखिए हमारे मुल्क में तो जो भी अच्छा काम कर रहा हो ना उसको पीछे रखा जाता है। अच्छा। हाँ, ये तो हमारा अलमिया है। तो इट्स नॉट थिएटर ओनली, लेकिन एक वक्त था जिस आखिरी जो वक्त था उस वक्त में हम भी उस थिएटर का हिस्सा थे जी। और वो बहुत लास्ट टाइम अराउंड आज से 7-8 साल पहले प्ले के बाद प्ले होता था। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब प्लेस हो भी रहे थे बहुत सारे, थिएटर प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट थी हाँ, वो भी अजीब सी हो गई थी। Okay. वो ऐसे गई थी कि जो लोग बड़ा प्ले करते थे और जो ज्यादा करते थे उनको ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलती थी। हाँ। और नया बंदा, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में नया प्रोड्यूसर आता है हाँ, तो उसको स्क्रीन नहीं दी जाती, उस तरह नया जो प्रोड्यूसर थिएटर का आता था ठीक है, उसको थिएटर नहीं दिया जाता। लेकिन मेरा सवाल ये, बड़ा छोटा प्ले हो ही क्यों गया था? जैसे अब ये बड़ी छोटी फिल्म का मसाइल शुरू हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी, हमें मुकाबला करना आपस में अच्छा लगता है ना, आपस में हम एक दूसरे को बताते हैं तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा छोटा। अच्छा। लेकिन वो वक्त बहुत अच्छा था। हाँ। उस टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स निकले थे और पूरी दुनिया में माना जाता है कि थिएटर का जो एक्टर है उससे अच्छा एक्टर कोई नहीं होता। Yes. तो इसीलिए मैंने सोचा हाँ, कि क्यों ना हम एक प्ले की पूरी कास्ट को यहाँ बुलाएं। बिल्कुल बुलाएंगे, और क्योंकि हम भी वहीं से आए हाँ, तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी। एंड वी अंडरस्टैंड कि इनको मार्केट करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इनको बताना लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है कि जी एक प्ले होने वाला है, वहाँ जाइए हाँ, टिकट खरीदिए, प्ले देखिए, एंजॉय कीजिए और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो एक बहुत जबरदस्त प्ले आ रहा है जिसका नाम है 100 दिन चोर के। 100 दिन चोर के हाँ, उसके पोस्टर पर जब मैंने देखा तो कोई 6-7 लोग थे, तो मैंने कहा इनको बुला लेते हैं। पुलिस जब उनको बुलाया तो पता चला कि वो 14-15 लोग हैं। तो बहुत सारी तालियां बजाएंगे जी। सबसे पहले सर जीशान हैदर। जीशान भाई की आंखों में नजर आ रहा है क्या बकवास नहीं नजर आ रहा, इससे बेहतर मैं रिहर्सल करा लेता, क्या हो रहा है? इसको कह रहे हैं मजेदार शो, ये क्या चीज है? सर कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू। और पूरी कॉम आप अपने साथ लेके आए हैं। यस, तो हमने कहा कि उस कॉम से हम बहुत खुश हैं कि आप एक पूरी कॉम को लेकर आए, क्योंकि हम हमें याद है कि जब हम थिएटर करते थे तो हम ढूंढ रहे थे कोई एवेन्यू कि हम जाके किसी को बता सके कि भाई हमें अपना प्ले करना है, आए देखें। बड़े मुश्किल थे उस वक्त ये चीज़ें, सोशल मीडिया भी उस वक्त इतना तेज नहीं था, लेकिन अब तो माशाल्लाह आपका पोस्टर मैंने देखा, मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने माना, थैंक यू सो मच कि आप पूरी कास्ट को लेकर आए।
तो सर ये बताएं सबसे पहले कि आपने चुन के 100 दिन चोर के क्यों निकाला, कोई और शो क्यों नहीं, कोई और ड्रामा क्यों नहीं? ये इसलिए कि ये खेल बहुत ही अच्छा लिखा हुआ खेल है, ठीक है, और फार्स कॉमेडी इसकी एक कॉमेडी की एक खास किस्म है, जैसे हेरा फेरी वगैरह जी, तो उसकी जो बुनत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बुनत मुझे दूसरे खेलों में नज़र नहीं आती, इसलिए ये चूज़ किया, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये पहले भी होता रहा है या हुआ किया जा चुका है? पहले भी हो ऐसे ही, तो इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है कास्ट के अलावा? कास्ट के अलावा ये मुख्तलिफ है कि मौसम, जो पिछली दफ़ा जब किया था तो ज़्यादातर लोग उसमें जो थे वो प्रोफेशनल एक्टर्स थे, वो अब अच्छा, काम शुरू कर चुके थे। ओके। इस दफ़ा हमारे पास कास्ट में नवीद कमाल जो कि फैकल्टी मेंबर है आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी, और फिर नज़रुल हसन जी, ये दो हैं, बाकी ये सारे लोग जो हैं अभी स्टूडेंट्स ही हैं। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, इन बिल्ट चैलेंज मौजूद है। हाँ बिल्कुल है। और ये स्टूडेंट्स इसी के हैं, आर्ट्स के, थिएटर के ही हैं या थिएटर आर्ट्स के ही? अच्छा, एकेडमी के स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं है परफॉर्मेंस वाले दिन आप इनको बोलेंगे यार आप तो स्टूडेंट्स हैं, मैंने प्रोफेशनल एक्टर बुला लिया, वो करेंगे आपकी जगह? ये करेंगे? ऐसे 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 हो ही नहीं सकता। अच्छा तो क्या इसका ऑडिशन हुआ था? बिल्कुल। या ये आपकी पर्ची है सारी? नहीं, ऑडिशंस कंडक्ट हुए थे, पूरी एकेडमी के लोगों ने ऑडिशंस दिए थे। अच्छा। और उसके बाद अच्छा स्क्रिप्ट से कितना पे रहे हैं आप लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रिहर्सल होती है तो इम्प्रोवाइजेशन भी होती है, कुछ चीज़ें और भी बन जाती हैं, तो आपने ये होने दिया या आपने कहा नहीं जो है वही करें? असल में ये खेल इजाज़त नहीं देता उस तरह की इम्प्रोवाइजेशन के। अच्छा। क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत, फार्स कॉमेडी के अंदर तो जी जी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उसको अगर बदलेंगे, जुमला बड़ा या छोटा कर देंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा मोमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक अदाकारी की बात है तो उसमें वो लाइन को कैसे इंटरप्रेट करना है ये तो रूम मौजूद है ना, ठीक है, ये इम्प्रोव तो होती रहती है, ठीक है। तो ये आपने कितने कितने अरसे में ऑडिशन करके ये पूरी कास्ट जमा की है? पहली दफ़ा में ही सब मिल गए आपको या आपको 2-3 दिन करना पड़े? नहीं नहीं, तकरीबन एक हफ्ते का प्रोसेस। एक हफ्ते के प्रोसेस में आपने ये हीरे निकाले, क्या बात है। और अच्छा मुझे ये बताएं कि रिहर्सल, क्योंकि जब ऑडिशन करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऑडिशन में ऐसा लगता है ये जो है ना ये तो बहुत अच्छा करेगा, ये तो ये कर देगा बस, और जब रिहर्सल शुरू होती है तो आप कहते हैं बस ये देखना कुछ ना कुछ कर ही देगा। तो इनमें से ऐसा कोई था जिसने ऑडिशन गलत कास्ट हो गया हो या आपने कहा कि इसको स्विच करा लेते हैं कुछ, उसके बाद आपने माफी मांगी होगी यार प्लीज किसी तरह तुम चले जाओ यार, कोई ऐसा सरप्राइज था? नहीं देखें, ये तो पहले से डिसाइडेड था कि ये चैलेंज तो रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ये इनका पहला प्रोफेशनल स्टेज प्रैक्टिस होगी, वैसे तो ये क्लासेस के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन ये जो प्रेशर है ना ऑडियंस के साथ सामने प्रेजेंट करने का, ये इनके लिए पहला मौका है। और वो क्लास के अंदर तो कभी लेट हो गए, कभी छुट्टी कर ली, वो सब चलता है। प्रोफेशनल उसमें काफी लोग ऐसे हैं, कुछ हुआ है मैं भी पूछूंगा इन लोगों से, मुझे लग रहा है काफी लोग जलील से, काफी लोग लेट हो रहे हैं, काफी लोग मसले में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आई गेस इन लोगों को अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जब आप पहली दफा स्टेज पे आते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही बुरा, बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, लेकिन वो आई होप आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है ये? जी जी, आर्ट्स काउंसिल में 12 जुलाई से 19 जुलाई तक ये स्टेज किया जाएगा। मुझे याद है कि जब हमने आखिरी प्ले किया था तो उसमें आर्ट्स काउंसिल के पर्दे में सुराख था, तो हम पूरी कास्ट जो है सुराख में से बैठ के ना लोगों को देखी होती थी, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं, तो वो सुराख है अभी तक आपको? नहीं है वो सुराख, नहीं है, तेरा शुक्र है वहाँ किसी ने कुछ तो किया, पीको करा लिया होगा, पीको करा लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिहर्सल जो है कौन इनमें से, आपको बताना पड़ेगा ये कि कौन है इनमें से जो कहता है यार बस सर आज रहने देना बस इतना हो गया आज के लिए इतना काफ़ी है? सारे तो मोटिवेट नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं मोटिवेटेड लोग आपने जमा किए होंगे, एक हमारी तरह का होगा? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही मुख्तलिफ रहा है। अच्छा, सख्त टीचर हैं इतने सख्त टीचर हैं, मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा, कोई सोच भी नहीं सकता, ये घर भी आ जाते पढ़ाने, आप छुट्टी का सोचें घर आ जाते हैं। अच्छा बेटा मेरी पढ़ाई कर लो, उसके अलावा जो करना है करो। अच्छा, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं आपको कह रहा कि यार सर कल छुट्टी कर लेते बारिश होने वाली? कोई बहाना तो हुआ होगा, सर टायर पंचर हो गया, सर आज पानी नहीं आया घर में। कुछ शुरू में एब्सेंटीज्म का इशू था, फिर वो उसको फिर कैसे ठीक किया आपने उसको? मैं यही तो असल मुद्दे पे आना चाहता हूँ, क्या किया आपने ऐसा? व्हाट्सएप मैसेज काफी होता है उसके लिए। और ये व्हाट्सएप जो है वो लिखा हुआ है या ऑडियो वाला है? दोनों किस्म के भी दोनों, ये डिपेंड करता है कि आपका जुर्म कितना बड़ा है। अच्छा, पहली छुट्टी है तो आपको जवाब आएगा खाली,
और अगर दूसरी छुट्टी है तो फिर ऑडियो नोट आएगा। अच्छा, तीसरी छुट्टी में सर बेल बजाएगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे, ये तो जाहिर सी बात है उस्ताद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर उधर देख रहे हैं कि किसने बताना है ये बताओ। अच्छा, कौन बताएगा मुझे पहले? तो हाँ, पहले चूज करें कि सवाल का जवाब कौन देगा। फिर हाँ, नहीं एडीओ से नहीं पूछूंगा मैं, एडी बहुत पक्के होते हैं। अच्छा बताएं, आपने ऑडिशन दिया था जी, आपकी हालत से लग नहीं रहा, लेकिन चले आप आए ऑडिशन पे, अच्छी बात है। नहीं मतलब एक होता ना वीकनेस होती है, अंदर नहीं पहुंचता ऑडिशन पे। लेकिन आप मुझे बताएं, जब आपने पहली बार ईशांत सर को देखा और अब जो आप उनको देखते हैं, उसमें फर्क है या आपको पता था ये ऐसे ही निकलेंगे? मुझे तो वही के वही लग रहे हैं, वही तो आंखें हैं, वही तो पांव हैं, सब चीजें वही हैं। अच्छा, ये वाला आपने याद किया वाला। अब आप वो वाला जवाब नहीं होता ना आपके पास, आपके सामने एक इंप्रेशन होता है ये आदमी ऐसा होगा। प्ले से पहले इनसे, तो अभी हुआ नहीं है ना, आपका भी होना है। प्ले के ऑडिशन से पहले इनसे डरता था, अब नहीं डरता आपसे, अब डरने लगा। अच्छा, अब डरने लगे, ये सही है। ये मुझे लग रहा है इसने इम्प्रोवाइज किया अभी। ये बनता नहीं था इनका। अच्छा, आप में से कौन ऐसा है जिसने दिल में डिसाइड कर लिया कि इस प्ले के बाद ईशांत सर के साथ मैं काम नहीं करूंगा? और ऐसा कौन है जो कहता है मैंने इन्हीं के साथ काम करना है? हाँ, सबने आपको इज्तिमाई मक्खन लगाया है, ये मैं देखना चाह रहा था। सबने हाथ उठा लिया, इनफैक्ट ऑडियंस में भी दो तीन हाथ उठा लिया, हमने निशान सर के साथ काम करना है। अच्छा, ये बताएं कि तंग कौन करता है ज्यादा? लाइंस याद करने में थोड़ी कहीं कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। कितना प्यार से बता रहे, चैलेंजिंग हो जाता है, बता नहीं रहे कि कूड़ मग्ज हैं, नहीं याद करते, प्यार से बता रहे, चैलेंजिंग हो जाता है असल में। ये होता है पढ़े लिखे रिहर्सल वाले माहौल से हमें आप। हाँ, रिहर्सल में। अच्छा, कौन नहीं याद करता लाइंस, बताएं तो। सर बता दें, इस तरह का चैलेंज तो सभी के पास कम ज्यादा कम ज्यादा हाँ, होता है, सबके साथ होता है ये बिल्कुल। लेकिन एक होता है ना जो बिल्कुल ही आपको पता होता है, ये नहीं कर पाएगा। और पूरा खेल याद करना वैसे ही किसी के लिए भी चैलेंजिंग है। अब ये हैं, ये बहुत ही नई स्टूडेंट हैं, तो इनको अभी शुरू में। अच्छा, उसने बराबर वाले ने कहा इनकी बात हो रही है, उसने कहा मुझे मत देखें, इनकी बात हो रही है भाई। हाँ हाँ भाई, नहीं देख रहे हम आपको। तो क्या हुआ, आपको लाइन याद नहीं हो रही थी आपको, या आपने कभी याद? माइक दे दो, दे दो, घर से थोड़ी लेके आए हो, दे दो। आपको क्यों लाइन याद नहीं हो रही? मुझे लाइंस याद होती थी, मैं सर को देख के भूल जाती थी। सर को देख के भूल जाती थी? हाँ। सर कोई सलमान खान भी होता है सर को देख के। सर ये सर तो मैंने, ये तो हमने अपने जमाने में भी ये वाला बहाना नहीं दिया हमने। हाँ। नहीं। सर आपको देख के लाइंस भूल गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, कंफ्यूजन में। और घर पे लेकिन आपको याद होती थी जब आप घर पे पढ़ती थी, या ऐसा कि घर पे पढ़ती नहीं थी? नहीं नहीं, पढ़ती थी घर पे, याद। फिर अब याद हो गया? हाँ, अब तो हो ही जाएगा। सर हो ही जाएगा, बच्चों को तो लग रहा है जुल्म किया आपने। नहीं नहीं, जुल्म नहीं किया, हो ही जाएगा। नहीं नहीं, मतलब काफी अर्सा हो गया ना, अब तो हो ही जाएगा। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हो जाती है आपको, करते करते याद हो जाता है। और अपनी क्यों कौन भूलता है? अरे खुद ही, मुझे हमने खुद ही याद करा लिया। ये होता है ना, कैसे मतलब क्या मसला है, क्यों भूल जाती हैं आप, क्या करना है? एक के बाद आना है, जाना है, आना जाना है ना। हाँ ठीक है, तो मैं जाती हूँ, आने की बारी आ चुकी होती है, तो जब तक आप इतना दूर क्यों चली जाती हैं? मतलब मैं गई नहीं होती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि अब क्या था। जी हाँ, एक शुक्रिया, पुरानी याद आ गई। हम एक प्ले कर रहे थे, मैं और फैजान थे उसमें जी, और किस्मत ने ऐसा कुछ किया कि हम दोनों ही उस प्ले को चला रहे थे, उस स्टोरी को। जी जी। अब हुआ ऐसे कि प्ले शुरू हुआ जी, अभी 12 मिनट ही हुए थे प्ले शुरू हुए, और हम सीन कर रहे हैं, और हमें एकदम से रियलाइज हुआ कि ये तो आखिरी सीन पे नहीं आ गए हम। वो हुआ ये 12 घंटे का प्ले और 17वें मिनट पे आखिरी सीन की बातें कर रहे हैं। हुआ ये था कि हमें प्ले बहुत अच्छे तरीके से आता, एक बच्चा था जो हमारे साथ पहली दफा परफॉर्म कर रहा था, उसने वो आखिरी क्यों दे दी, इनको याद था मशीन की तरह, इन्होंने वही क्यों पकड़ ली, ये प्ले उठा के ले गया आखिर में। अब हम सब पीछे खड़े कि ये तो अभी आखिरी पैरा चल रहा है, अब क्या करना है, और ऑडियंस कह रही है यार लग रहा है कि प्ले एंड होने वाला है बस 17-18। फिर हमने वापस उसको किसी तरह घुमा के पीछे से प्ले किया, तो ये तो उसका हिस्सा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप लोग आपस में तो क्योंकि अब दोस्ती हो चुकी होगी, अगर पैसों का मसला नहीं है तो, लेकिन अगर आपस में दोस्ती हो गई, किससे उम्मीद है कि वो पहली परफॉर्मेंस में फंड मारेगा? अच्छा, सबने एक दूसरे देखा, मुझे लगा सारी ही करेंगे। सब नहीं, एक तो वाला देख रहे हैं, एक तो वो वाला देख रहे हैं, अच्छा कबूल लो, पता है तुम ही हो। कौन है मतलब, तुम ही हो, इस पे लग रहा है कि यार इसने देखना कि करेगा, मुझे पता करेगा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा, इंशाल्लाह सब अच्छा करें। मैं चाहता हूँ वन बाय वन बताएं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हाँ चलिए, आपसे शुरू करते हैं। सर मेरा कैरेक्टर मामू का है। मामू मतलब पाकिस्तानी लड़कों का फेवरेट है। एरियाज में होते हैं कुछ लोग ऐसे बड़ी उम्र के, और मामू आप बोलते हैं या चाचा बोलते हैं, सही है। तो उस तरीके का कैरेक्टर है। तो मैं तो मामू का कोई नाम नहीं है, बशीर मामू का कैरेक्टर कर रहा हूं। ठीक है, मैं इनका फ्रॉड पार्टनर हूं, हम लोग मिलकर फ्रॉड करते हैं। अच्छा, किन के साथ मिलकर फ्रॉड करते हैं? अच्छा
सर आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या कैरेक्टर का नाम क्या है? एक तो बशीर मामू तो मिल गए हमें। मेरे कैरेक्टर का नाम है आमिर हसन। आमिर हसन, हसन। और बिल्कुल जैसा कि मुनीब ने बताया, एक कौन आर्टिस्ट है, फ्रॉड है, धोखेबाज है, झूठा है, इनहेरेंटली शरीफ है, लेकिन बाहर वालों को कोशिश करता है कि बेवकूफ़ बना के टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी जेब में रख ले। सर, मेरा कैरेक्टर है डॉक्टर का। अच्छा, डॉक्टर है। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं बेसिकली जो डॉक्टर होता है बहुत अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। मैं तो नहीं कह रहे होते बेसिकली डॉक्टर कौन सा होता है, मतलब किसी खास स्पेशलाइजेशन है कोई? नहीं नहीं, डॉक्टर या वो बस आप डॉक्टर मोहल्ले वाले डॉक्टर जी? मोहल्ले वाले नहीं, एक अच्छे लेवल का डॉक्टर हूँ जो बाहर मुल्क से आया हुआ है। मोहल्ले में भी अच्छे लेवल के होते हैं यार। हाँ, तो वही वाला डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है, तो वही वाला यार, आगे चलो जी। तो मुझे मेरी भांजी बुलाती है, अपने मियाँ की बुलाती है। हाँ भांजी जी। अच्छा, के मेरे मियाँ की कुछ चाल चलन बिगड़ रहे हैं, आप इसका मसले का हल निकालें। ओके, डॉक्टर कम साथ ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो मैं कुछ ऐसे ही करता हूं। कौन बातें करता है भाई? नहीं नहीं, डॉक्टर को कौन कहते हैं चाल चलन में मसला लगा? यही मसला हुआ ना आगे। अच्छा, यही तो असल मैं समझा कोई बीमारी है। हाँ, अच्छा। लेकिन फिर पता चलता है कुछ और सीन है। अच्छा, और आपको लगा एक टांग छोटी है उनकी। हाँ, चलन में मसला। और मैं कंक्लूजन कुछ और निकाल लेता हूँ जिसकी वजह से और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस, ये अच्छा है, फिर तो सही है जी। पर मैं बात ही कर, आपका कैरेक्टर क्या है इसमें? इरम। आप जब गहराई में चली गई ना तो मुझे बहुत अच्छा समझ आ गया। इरम मंगेतर है किसकी? इरशाद की। इरशाद की, और इरशाद यहाँ कौन है? वो नहीं है। नजरुल हसन। नजर भाई है। नजर, हाँ, ठीक है। नजर भाई अवेलेबल नहीं थे वरना बहुत मजा आता। अच्छा जी, हाँ जी, तो मैं उनकी मंगेतर हूँ, वो मेरा। नजर भाई कैसी मंगेतर हो? नजर भाई सोना ही छोड़ देंगे। वो हो गया जो होना था। अच्छा बताइए। बस मेरा तो यही है। मेरा बस यही है, इतना ही है। मुझे मैं इरशाद की मंगेतर हूँ, बस बात खत्म। जी सर, तो नहीं है, ब्लेम में भी आप ये कह रही हैं कि मैं इरशाद की मंगेतर हूँ, क्या लाभ? नहीं, मेरा बहुत थोड़ा सा ही सीन। आप फोन कॉल में उसमें? नहीं, फोन कॉल ऐसा तो नहीं, खाली आवाज है आपकी? नहीं नहीं, प्रॉपर आएंगे आप। क्यों तुम कंफ्यूज कर रहे हो यार? मैं फिक्स कर रहा हूं। जी सर, मैं सर जिशान को असिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप असिस्ट कर रहे हैं, शर्मिंदा क्यों मैं? शर्मिंदा। अच्छा ये पता, नहीं नहीं भाई, आगे करें। शर्मिंदगी की नहीं हो रही मुझे। हाँ। बस ऐसे ही आपने पूछा ऐसा तो मैंने जवाब भी ऐसे दिया। और किसके आपको तरले मिनते करने पड़ते हैं? खुदा का वास्ते इंसान बनो, पहुंचो यार। एक वलीद के करने पड़ते हैं थोड़े से यार। वलीद, वलीद इस सेहत पे तुम्हारे नखरे भी हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रहे तुम टाइम पे? अच्छा वलीद, आपका क्या कैरेक्टर है बताइए? वलीद हेडविंड की वजह से लेट तो नहीं हो रहे? किस वजह से लेट हो रहे? लेट क्यों हो रहे पहले ये बताओ। वलीद को तंग नहीं करो यार। नहीं, मुझे ये बताओ लेट क्यों हो रहे हो? वलीद क्या वजह है? ये एक शरीफ आदमी को बदनाम किया जा रहा है, साजिश है ये। नहीं नहीं, ऐसी कंस्पिरेसी। देखो लेट हो रहे होगे तो एडी कह रहा है। अच्छा बताओ ना, क्यों लेट हो जाते हो तुम, क्या वजह है? काम मसरूफ हो आजकल। इसको राजी रहने दे, इसको राजी रहने दे, इसको राजी रहने दे। ठीक है चलो, कोई मसला नहीं। कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर बताओ चलो, क्योंकि लेट तो तुम आ रहे हो। हां, मेरा कैरेक्टर दीनू गोरकन का है। दीनू गोरकन का? गोरकन का जी? गोरकन तो होता है ना। आपने क्या सेहत देख के आपने गोरकन का काम दिया? यही तो बात, गोरकन तो बड़े फिट होते हैं। गोरकन वो होता है ना भाई, मैं चाहता हूँ बिलीवेबल गोरकन हो, जो कवर को होता है। हाँ, शुक्र है तुम्हें पता है गोरकन क्या होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है गोरकन। वो जो कर रहा है ना प्ले में, फिर आपको समझ में आएगा देख करके। वो है रीजन व्हाई ही इज कास्टेड देयर। तो आप बताइए आपने क्या किया, किसका बेलचा देखा आपने? हमने कबरे ऑब्जर्व किए। कबरे ऑब्जर्व? कबरे ऑब्जर्व किए या कबर खोदने वाले को ऑब्जर्व? नहीं, कबरे ऑब्जर्व किए। अच्छा, क्या मतलब वैसे वाकई किसी गोरकन को ऑब्जर्व किया आपने? बिकॉज़ उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है एक तरीके का। नहीं किया, जो स्क्रिप्ट में लिखा था और जैसा सर ने कैरेक्टर का एक ब्रीफ दिया था, ठीक है, उसी से चीज बनाई है। बिल्कुल ठीक है सर। मेरे कैरेक्टर का नाम है नदीम फरमान, ठीक है, जो कि एक फ्रॉड इंस्पेक्टर है। जैसे इन्होंने बताया कि उन्हें कई जगह से पैसे लिए हुए हैं, उनमें से एक स्कीम जो थी उसका फ्रॉड इंस्पेक्टर मैं हूँ। तो सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है लाइक प्ले में, वो मेरा ही कैरेक्टर है। मुझे आपका पहला एक्टर लगा जो अपने कैरेक्टर में डूब चुका है, ये मुझे ऑफिसर ही लग रहा है जी। नहीं, माइक है उनके पास अपना। अच्छा, वो तो अपना माइक लाइक है और दे भी नहीं रही किसी को। जी सर, मेरा कैरेक्टर समरा का है, आमिर की वाइफ है, जो बहुत भोली और मासूम सी लड़की है, जो सिर्फ अपने शौहर के बारे में सोचती रहती है पूरा दिन। तो आपने किसको ऑब्जर्व किया अपने घर में? मैं तो अपनी अम्मी को ही देखूंगी। इसीलिए मैंने कहा घर में, मुझे पता था। हाँ, क्योंकि अब एक शादीशुदा अगर हम जिंदगी देखें तो सबसे ज्यादा करीब हमारे अम्मी अबू होते हैं, और उनकी जिंदगी से हम सीख रहे थे जब अम्मी को अबू पे कुछ आ रहा होता है तो किस तरह चाले चलते हैं। कुछ आ रहा है, अम्मी चाले चल रही है। आंटी, बच्चे आपकी चाले पकड़ कर रही है आप, अम्मी कर रही है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, जी। तो अम्मी अबू इस तरह करते रहते हैं, अबू को कुछ होता है। बताया ये उनसे कंसेंट साइन करवाया कि अम्मी जो आप चाले चल रही हो ना, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करके मैंने अपना कैरेक्टर बनाया कि किस तरह से जो है ना
एक बीवी अपने शौहर को लेकर कितना, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं शादी को, तो वर्षा भी आपकी? नहीं नहीं मेरी, आमिर के साथ जी, जी। ठीक है चलें जी। मेरी कैरेक्टर का नाम निदा शाहिद है, ठीक है। और मैं जो हूँ गवर्नमेंट इनकम सपोर्ट की एक मेंबर हूँ, ओके। ठीक है, और मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरे कैरेक्टर का बेसिकली ये है कि वो बहुत ही इंथुजियास्टिक है अपने जॉब को लेकर, उसको बस लोगों की मदद करनी है किसी तरह। सही है। और वो जब इस घर में आती है, उसको मतलब बुलाया, मतलब जिस ऑफिस से उसको बुलाया गया है क्योंकि, तो बस वो आती है तो उसको हेल्प करनी है किसी भी तरह आमिर की। जी। मेरे कैरेक्टर का नाम है दुर्दाना राजा और वो गवर्नमेंट इनकम सपोर्ट की हेड है। उसने अपने मैं इनकी बॉस हूँ। अच्छा, इनकी बॉस। हाँ, ओ, अच्छा, इनको हाँ, रखा है आपने नौकरी जी। और इनको मैं हमेशा मुट्ठी पे रखती हूँ गुस्से में। अच्छा, आप गुस्से में रहती हैं? बिल्कुल। मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं, मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती कि घर में क्या हो रहा है, तो फिर मैं खुद ही आ जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा, इसको डांटने के अभी तक आए क्यों नहीं होता। ठीक है, ये है जी। सजील भाई, शुरू में जो आपने बात की थी ना कि 100 दिन चोर के और 1 दिन पुलिस का, सुन रहे थे हमारी बात? अरे कैसे आदमी यार, बड़ी बात है, हमारे घर वाले नहीं सुनते। उस नैरेटिव में जो प्लॉट ट्विस्ट है मेरा, उससे ताल्लुक है। अरे वाह, ठीक है। तो मतलब जो एकदम से यूं हो जाएगा, हाँ, हाँ, वो तो उसके लिए फिर आपको, मैंने भी एक बात कर ली, उसके लिए आपके पास आपको आना जरूर पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये निशान में बताइए इसका टिकट कितने का है? अरे 600 बट फॉर स्टूडेंट्स 50% डिस्काउंट। अरे जबरदस्त भाई, 600 का टिकट है और जितने स्टूडेंट है यानी कि तुम और मैं, हम 300 में जा सकते हैं। और स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि आप बैग लटका के आ जाएं, आप बाकी में स्टूडेंट होने चाहिए, होने चाहिए। काश भाई आपको 1200 देने पड़ेंगे। हाँ, आप तो और बड़े हैं ना हम सबसे, डबल टिकट लगेगा आपका। अच्छा, तो इसका ये जो हमारा जो पहली नाइट होगी, इज दैट फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऐसा कुछ हो रहा है या पहला दिन ही? मीडिया नाइट होगी, पहली रात जो है वो मीडिया नाइट है। एक साहब ने हमारी पहली परफॉर्मेंस पे जो सेट का दरवाजा था वो तोड़ दिया था भाई। देखिए, मुझे शरबील ने कहा लो भाई, शरबील साहब आपकी बारी आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि सुन, पूरा प्ले तुझ पे। मैंने कहा अच्छा, पूरी जान लगा देना। अब उसके छठे डायलॉग के बाद मुझे दरवाजा बंद करना था। उन्होंने जान वहां लगा दी, मैंने सारी जान दरवाजे पे लगा दी। दरवाजा टूट गया, फंस के टूट गया। मीडिया नाइट पर दरवाजा टूट गया और एक आदमी दरवाजा पकड़ के खड़ा, अरे आ जाओ दरवाजा। उसके बाद हमने कर्टन बंद किया शो के बीच में, क्योंकि वो पूरा प्ले उस दरवाजे से ही होना था। तो वो किया, अब वो मुझे गालियां दे रहे, बनता है गालियां देने। नहीं, ये हर एक के थिएटर एक्सपीरियंस में, जिसने भी थिएटर किया है उसके एक्सपीरियंस में ये कहीं ना कहीं मौजूद होता है। मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। मुझे किस्सा याद है, मैं परफॉर्म कर रहा था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, और मैं, मेरे एक सीन में मैं एक दूसरे किरदार से फिजिकल फाइट होती है, तलवारबाजी होती है, तो दिस अदर कैरेक्टर हैज़ टू कम स्नीकिली, चुपके से आना है और उसने मेरे हाथ में तलवार देनी, ठीक है, और फिर मैंने अटैक करना, मेरी लाइनें खत्म हो गई, वो बंदा नहीं आया। ना तलवार आई, तलवार आई, हम बातें करके ऐसे ही चले गए। पूरा वो चंक गया, लड़ाई नहीं है, मैं लड़ाई ही मर गई। फिर पीछे गया मैंने, मैंने उसको गुस्सा किया कि तुम क्यों नहीं आए अपने वक्त पर। वो ऐसे घबराए, वो अगले सीन में चले गए तलवार लेकर। अकेला तलवार लेके घूम रहे, लड़ोगे? नहीं, वो पूछता फिर रहा भाई किसकी तलवार। ये इसी तरह हम एक प्ले करने गए थे दुबई में, उसका नाम था जनता। तो उसमें हुआ कि उसका जो सबसे बड़ा विलन था, सबसे बड़ा डराया हुआ था हम लोगों ने, लोगों को, लोग कह रहे थे कि यार ये जब स्टेज पे आता है ना तो कुछ बुरा होता है। अब वो वाला सीन आ गया जिसमें उसने बुरा करना था, उसने एक चाचे को गोली मारनी थी और उसके बाद वो गोली मार देता है। तो जब वो आता है तो लाइट भी चेंज और म्यूजिक, तो वो आते हैं और वो कहता है आज यू नॉट टू कम हियर, और सब ऑडियंस से फील आती थी कि ऑडियंस डर जाती थी कि यार ये तो बेचारा मासूम बाबा है। अब वो यूं करके हाथ डालता है और उसके पास गन नहीं है, गन वो भूल गया, तो वो माशाल्लाह इतने होशियार, उन्होंने किया टिशी। अब ये टिश्यू, मतलब आप दुबई में प्ले करने गए हुए, वो कह रहा टिश्यू, टिश्यू पे बात नहीं खत्म हुई। वो जो चाचा था, चाचा ने तो 2.5 मिनट तक मरता रही हूँ। तो ये तो इसका हिस्सा, जिस तरह हम एक प्ले कर रहे थे उसमें मैंने भाग के जाना होता है और 3 सेकंड बाद वापस आना होता है। अब वो हुआ क्या, वहां जब हम सीढ़ियां चढ़ के एग्जिट करते थे तो वहां एक स्टूल होता था क्योंकि वो ऊंची जगह थी, उस दिन किसी ने वो स्टूल हटा दिया। मैं भागता भाग गया, जब मैं राइट मुड़ा तो वहां तो कुछ था ही नहीं। अब मैं थोड़ी नीचे देख के चढ़ा, मैं तो भाग के बस खड़ा होता था रोज, मैं चढ़ा तो वहां कुछ नहीं, मैं वहां ऊपर से नीचे गिरा, नीचे सेट के कील पड़े हुए थे, ऑडियंस का आवाज आई धा 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 धा। अब मेरे यहाँ से खून निकल रहे और मुझे, अब माशाल्लाह वजन तो मेरा है ही नहीं,
पांच कास्ट के लोग चढ़ा रहे नीचे से ऊपर कि जा से यार। तो ये मुझे लगता है सब हिस्सा है इसका, इसमें किसी की गलती नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जो आदमी सेट पे खड़ा होता है ना अकेला, जो वेट कर रहा होता है कि कोई आएगा और फिर वो आता नहीं है, तो ये, तो और ये जो इतना सोचना कि किसी के डायलेक्ट पे काम करना है, यहाँ तो हमारे यहाँ होता है अच्छा ये डायलेक्ट कौन अच्छा कर लेता है उसको बुला लो तो वो डायलेक्ट कर लेगा। तो हमने देखे खासतौर पर काफी अरसे तक कि स्पेसिफिक लोग पठान कैरेक्टर्स कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोग बिहारी कैरेक्टर्स करने इस तरह से। तो यहाँ पे भी मुझे बताएं, काफ़ी लोग डेफिनेटली अलग अलग जगहों से आए हैं, आपकी जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगी, किसके डायलेक्ट पे काम किया, और वही वाली बात जो मैंने पहले कही, कोई कुछ सोच के आएगा कि जी मैंने ऐसे करना है, फिर आपने उनको चेंज कराया। डायलैक्ट से ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादातर कराची के ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और बड़ा कंटेम्प्रेरी सा प्ले है, तो उसको उस तरह की कोई डायलैक्ट टोनैलिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलबत्ता एज प्ले कर रहे हैं बास कैरेक्टर। अच्छा जी, तो वो एज को लेकर बॉडी पे काम करना, आवाज़ का उस तरह से उसका टेनर बदल जाना, एक यंग आदमी की आवाज़ का एक अलग पिच होती है, है। बिल्कुल। तो अभी तक इनमें से किसी का गला बैठा है? नहीं, गला तो नहीं बैठा अभी तक, लेकिन बैठेगा। बीमार हुए थे। अच्छा, फ्लू वगैरह हुआ था उसमें, तो जो होता है वो हुआ। सही। लेकिन आई गेस इनके डायफ्राम्स ने काम करना शुरू कर दिया है, कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे बुजुर्ग हैं एक साकिब समीर साहब, अल्लाह उनको जन्म नसीब करे। नहीं नहीं, जिंदा है। नहीं नहीं, वैसे जब भी मरे तो अच्छा, जन्म नसीब करे उनको, फिर ठीक है। तो वो साकिब समीर साहब हम लोगों को, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते थे, वो तूतसिया की बोतल जो है ना मुंह पकड़ पकड़ के डाल देते थे हमारे अंदर कि ये गला बिठाने से पहले पी लो, उसके बाद ठीक नहीं होगा। तो वो एक टेक्निक थी उनकी, अब पता नहीं प्रोएक्टिव चल रहे थे, प्रोएक्टिव। तो वो हमें बैठने से पहले ही, वो कहते थे ये बैठने के बाद पहले पिला रहे हमें तूतसिया, बिना वजह सर घूम रहा हम लोगों, अभी क्यों पिला दी। मतलब आधी काज नशे में घूम रही है तूतसिया पी के ना, कि भाई क्या हो गया, दागू वगैरह पियो पियो सब पियो। ये भी एक टेक्निक है मेरे ख्याल से। जी, हमारे ऑडियंस के पास भी माइक मौजूद है, अगर आप लोग उसका इस्तेमाल करना चाहें तो कुछ सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे करना है सवाल के 100 दिन चोर के प्ले जो है वो आजकल के मौजूदा दौर को डिपिक्ट कर रहा है। एक ऐसे शख्स की कहानी है ये, जो जॉब से ले ऑफ हो गया है, ठीक है, और उसे किसी ना किसी तरह अपने घर को चलाना है। तो अब वो, ये भी काफी रिलेटेबल आजकल, इंटरनली तो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन हालात ने मजबूर किया है उसको ऐसा करने पर। तो यहीं से रिलेशनशिप बन जाता है हमारी रियलिटी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, जस्ट आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट मीडिया या फिर आप ये कह लें सोशल नेटवर्किंग, तो डू यू थिंक देर आर व्यूअर्स हु प्रेफर टू गो फॉर दिस थिएटर, है ऐसा अभी? ये कॉम्पिटिशन जो है थिएटर को सबसे पहले रेडियो ने दिया, ठीक है, फिर सिनेमा ने दिया, फिर टेलीविजन ने दिया, इन सब ने कंपटीशन दिया, लेकिन थिएटर ने सरवाइव किया। अब ये दे रहा है, मैं तो इसको ये कहूँगा कि अगर आपने एक दफ़ा एक अच्छा खेल देख लिया तो अगले 4 बुरे खेल देखना बनते हैं। बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मेरा जिशान भाई से सवाल ये है कि एक्टर्स की बात तो हम कर रहे हैं, तो ये राइटर्स के बारे में भी बताएं ना कि हमारे पास नए राइटर्स क्यों नहीं आ रहे, आप भी पुराना प्ले रिपीट क्यों कर रहे हैं? रोमियो और जूलियट हुआ, जिया साहब ने भी जो किया, तो नए राइटर्स हमारी एक लेगेसी रही है, मंटू साहब से लेकर अनवर मकसूद साहब तक, फिर और भी लोग आ गए, उमेर अहमद वगैरह, हाशिम नदीम, तो राइटर्स कहाँ हैं, राइटर्स के बारे में कुछ बताएं ना। सर, प्ले थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिसकी लिखाई तमाम मीडियम से ज़्यादा मुश्किल है, इनहेरेंटली मुश्किल है, पहली बात तो ये। फिर इसमें पैसे कम है, अब जिस बंदे में भी थोड़ा बहुत भी टैलेंट है अगर लिखने का, वो पहले सोचता है कि मैं टेलीविज़न कर लूँ, फिल्म कर लूँ, वहाँ से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक तो बुनियादी ये इकोनॉमिक रीज़न है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा, जहाँ आपने ज़िक्र किया कि शेक्सपियर का खेल हो रहा है, तो शेक्सपियर का खेल तो आज भी खेला जा रहा है, पूरे यूरोप में खेला जा रहा है, अमेरिका में खेला जा रहा है, और वहाँ लोग अब वो इन खेलों को तो जानते ही हैं, तो वो ये देखने तो नहीं जा रहे कि कहानी क्या है, वो ये देखने जा रहे हैं कि इस डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन क्या है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच हैमलेट प्ले कर रहा है, तो ये कैसा हैमलेट प्ले करेगा। बिल्कुल, वाह। तो ये, और जो जहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं ना यूके यूरोप, उनके पास एक पूरी तारीख है,
तो लोग अचानक से नहीं पैदा हो जाते, पीछे पूरा एक कल्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो देखते हुए आए होते हैं, बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप के साथ पहले से थिएटर देख रहे होते हैं, रुझान बनाया जाता है जी। तो होपफुली ये इंस्टीट्यूशंस के कयाम से और रेपेट्री, ये हमारी रेपेट्री कंपनी का पहला खेल है, आर्ट्स काउंसिल इस खेल से अपनी रेपेट्री कंपनी को लॉन्च कर रही है। रेपेट्री कंपनी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को एक साल तक मुख्तलिफ प्रोडक्शंस में कास्ट करेगी, जिससे उनको प्रोफेशनल स्टेज प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और लाइव ऑडियंस के सामने वो खेल खेला करेंगे जी। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई जो थिएटर ज्वाइन करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग स्टेज कौन सा होता है? पूरी जिंदगी स्ट्रगल है, आपके अम्मी अब्बू से भी पूछे वो आज भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। अच्छा, आपको देख के ना, मेरी एक टीचर है शाजिया ना, मैं शाजिया लगती हूँ आपको? सुने सुने शाजिया, शाजिया तो सेम आप की तरह, मैंने बाल कटा लिए, मैंने बाल कटा लिए, मैं शाजिया। अगर आप भी लंबे बाल कर लेना तो सेम आप उनकी तरह लगे। वो आती है ना, मतलब स्कूल टाइम की बात है कि वो जब जैसी आती थी सारे बच्चे डर जाते थे कि कौन आ गया। शाजिया की भी दाढ़ी है? दाढ़ी क्या पढ़ाती, क्या थी वो, क्या पढ़ाती? उनकी दाढ़ी आ जाती तो कभी कटवा देती नहीं, क्या पढ़ाती थी वो? इंग्लिश पढ़ाती थी गलती से। फिर तो सवाल ही बदल गया, इंग्लिश पढ़ाती थी गलती से। अच्छा, शाजिया से मिला दिया यार आदि? मेरा मैं मुझे अक्सर शीशे में देख के लगता था, लेकिन आज यकीन हो गया मेरे अंदर एक शाजिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, फेवरेट आपका कौन है इन सब में, बता दें कोई एक? ये तो बड़ा नजर भाई का नाम मत लीजिएगा, बड़ा सबके फेवरेट है। हाँ। वो ही है फेवरेट नहीं, उनकी उनकी, उनकी इनमें से जो आपको वो नहीं है, ये स्निश पहले दिन से ऑडिशन से लेके आज तक जो है ना, बस ये प्यारा है। फेवरेट बताएं, फेवरेट। I will make up my mind after the performances। ठीक है, ये सर बच गए हैं ऐसे ना। हाँ। परफॉर्मेंस करके लोग आएंगे भी नहीं हमारे पास। अच्छा, आप लोग आपस में बता दें कि आप लोगों को कौन? जी जी, मैं गो टू द वॉशरूम, माइक गॉस सर। एक तो ये टाइम के पंचुअल हैं और ये तो अच्छी बात है ना, इनको जो चीज कही जाती है ये फौरन पिकअप करते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं हुए, आप लोग बुरे हुए, वो नॉर्मल है भाई, टाइम पे आना नॉर्मल बात है, जो कहा जाए वो सीख ले नॉर्मल बात है। मतलब वो फौरन सर एक बार बताते हैं, वो एक बार हमें तीन चार बार बताना पड़ता है या दो बार। नहीं ना बॉस, नहीं ये चल ये सर ये बिल्कुल नहीं नहीं सही। अच्छा, हो सकता ठीक है भाई, हमारा पुलिस वाला जो है ना, ये हिट हो गया हमारा लड़का। आपको ऐसा लगता है कि आपका फेवरेट, फेवरेट है? हाँ। I think फेवरेट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने इनसे पहले लिटरेचर पढ़ा हुआ। अच्छा। है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो प्लेस को देखने का तरीका है शायद वो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच करता है। अच्छा। तो शायद इसलिए वो इनको लगता होगा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर। कितने लोग हैं यहाँ पे जो इसलिए काम कर रहे हैं कि जी यहाँ से ट्रांजिशन करनी है टीवी और फिल्म में? मुझे पता था आपका, ये आप ही हाथ उठेगा, मुझे पता था। अच्छा नहीं भाई, मुझे लगता है जो थिएटर करके आगे जाएगा वो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मुड़ के थिएटर पे ना आए। अच्छा। वो जरूर आएगा। अच्छा। क्योंकि थिएटर चीज ऐसी है कि आपका दिल लग, अब जैसे मैं जब आई थी तो मुझे था, मैं शॉर्ट कोर्स में आई थी, मैंने कहा 6 महीने पढ़ूंगी और फिर टीवी के लिए ऑडिशन दूंगी। जब 6 महीने पढ़े तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मुझे कब इस जगह से इतनी मोहब्बत हो गई, मैं जा ही नहीं सकती थी, मैं खुद आती थी यहाँ पर। तो उस लड़के का नाम भी बता ही दें। हाँ, लड़के का नाम है ना वो लाल दीवार है जो हमारे आर्ट्स काउंसिल की है ना, वो बहुत मतलब आप जगह से नहीं, आप सही कह रही हैं, जगह से मोहब्बत। अच्छा, किसी को लगता है कि अब इसके बाद हम दोबारा थिएटर नहीं करेंगे, या एक्टिंग ही नहीं करेंगे, पहला और आखिरी, बस इसके बाद नहीं करूंगा? वलीद खामोश है। वलीद, क्या आपका जज्बा जो है ना पीछे छुप रहा है, मुझे फील हो रहा है। मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करना है, मैं अपना गोल मेरा। नहीं बेटा, ये क्यों जिंदगी भर क्यों करना है? बस मतलब आदमी कुछ और भी कर सकता है। नहीं नहीं, यही करना है। तुमने तो फैसला दे दिया, यही करना है जिंदगी भर। क्या बात है यार, जबरदस्त। ये वाला आदि भाई अच्छा है, ये वाली मोटिवेशन अच्छी है। नहीं कोई इनमें से आप में से कोई, आपको अगर टीवी की ऑफर आए तो आप नहीं करेंगे? फिल्म की आए? फिल्म की कभी नहीं। और फर्ज करो टीवी और फिल्म की आए, थिएटर की ऑफर ना आए, फिर थिएटर के आने की वेट करूंगा, वेट करूंगा, लेकिन करूंगा थिएटर। तो लड़का, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। जी जी प्लीज प्लीज। ये भाई जी जी जान भाई, एज एक्टर्स वो तो खैर पर्सनल चॉइसेस हैं सबकी, लेकिन एज एक्टर्स तमाम मीडियम्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, करना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं इसीलिए देखना चाह रहा हूँ कौन क्या सोच के बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ सर हम इससे पहले रैप करें एक दफा, मुझे और हम चाहते हैं ऑडियंस को भी बता दें कि क्या टाइमिंग्स हैं, क्या डेज हैं, कहाँ हो रहा है प्ले और कब तक होगा? सर ये 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक आर्ट्स काउंसिल के मेन ऑडिटोरियम में स्टेज हो रहा है, ठीक है, और टिकट्स अवेलेबल हैं आर्ट्स काउंसिल से भी और ऑनलाइन टिकट वाला। बिल्कुल ठीक। और ये शो हम एक दिन में एक ही कर रहे हैं इस वक्त फिलहाल, एक ही। अगर अच्छा रिस्पांस होगा तो हम मैटनी भी देख सकते हैं। यस। और शो का टाइम क्या है? 7:45
7:45 जी, और पहले आई और पहले पाई की बुनियाद पे होती है सीट्स वहाँ पे। अच्छा जी, इससे पहले हम रैप अप करें, मैं चाहता हूँ वन बाय वन वहाँ से शुरू करते हैं। बताएं कि 100 दिन चोर के क्यों देखा जाए। वाह, ये अच्छा सवाल है भाई। लाइए भाई माइक दीजिए। अपना अपना रीजन, अपना अपना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा जवाब, हर किसी का अपना जवाब। मैं भी ये कहती हूँ, नहीं बोल जी। मेरे ख्याल में डेफिनेटली देखने आना इसलिए चाहिए कि थिएटर ओवरऑल इंडस्ट्री पाकिस्तान में वैसे भी काफ़ी कम होता है, अच्छा अच्छे प्लेज शायद उससे भी कम होते हैं। आप अगर आएंगे तो तकरीबन 2 घंटे नॉन स्टॉप आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी, ये गारंटी है। एंड शायद होपफुली हर 30 सेकंड्स के बाद आपको बहुत ज़ोर से हंसी आएगी। तो 600 रुपये में शायद इतनी एंटरटेनमेंट और कहीं न मिले आपको, तो इसलिए ज़रूर आएँ। बिल्कुल ठीक है जी सर। मुझे लगता है कि ये ऐसी कॉमेडी है जो सिचुएशनल है। ओके, इसमें कोई झुकते नहीं है, किसी को आप टॉर्चर नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, दलील नहीं कर रहे। सिचुएशन इतनी कॉमिक है और सर जिशान ने उसको इस तरह इंटरप्रिटेट किया है कि देखना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और एक इस वजह से क्योंकि मैं भी हूँ। अरे अरे वाह, इसके बाद यूँ भी तो करना था तुमने। चलें जी सर, आपके पास मैं एंड में आऊँगा जी मैम। हाँ, शो देखना चाहिए आपको क्योंकि मैं आ रही हूँ उसमें। बाकी ये कि सर जिशान ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया सब कुछ और हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो आप लोगों को देखना चाहिए और बहुत हंसाने वाला है, बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। 5-5 मिनट के बाद ऐसा कुछ होगा कि मतलब ऐसे आप कहेंगे यार ये क्या, यार ये क्या, ये क्या, आगे देखने का और दिल करेगा। तो बहुत बिल्कुल ठीक है यार। वली, हाँ जी वली, मैं चाहूँगा आप ये लोग प्ले इसलिए चाहोगे भाई बताओ, आना क्यों है? आना इसलिए चाहिए क्योंकि इस प्ले में जो मेजोरिटी जो कास्ट है वो स्टूडेंट कास्ट है। अच्छा, ठीक है। और वो यहाँ तक आने के लिए उन्होंने अपना इतना खून पसीना मेहनत लगाई है। खून लगाया है क्या जीशान भाई, आप ड्रिपे मांग रहे हो उनसे? नहीं, बाकी सबने लगाया होगा, तुम्हारा मुझे नहीं लगता तुमने खून लगाया। तुम पे ही खून लगाया मुझे लग रहा है, ये हो सकता है। तो वो 2-3 साल की मेहनत है स्टूडेंट्स की, तो वो लोग आके देखेंगे तो वो तो मोटिवेट होंगे ही होंगे और करने के लिए। फिर जो और देखने आ रहे हैं वो भी इंस्पायर होंगे। क्या बात, क्या ठीक है, इसमें कुछ है, इसमें हम भी कर सकते हैं जी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा मेरे हिसाब से ये कि जब थिएटर प्लेस ऑडियंस देखने आती है तो एक इशू ये होता है उनको ज़्यादा कि क्लासिकल टेक्स्ट है या टेक्स्ट जो है हमारी इतनी नॉलेज होगी कि हम कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। सही, ये वो प्ले जो आप मूवी की तरह आकर रिलैक्स कर सकते हैं, आपको एंगेज करना, हमारा काम है, आपने बस आना है रिलैक्स करना एंड देन रेस्ट इज़ ऑल। रिलैक्स करते करते आँख लग जाए उनकी, सो जाए बीच से सी। नहीं, वो भी हमारा काम है, इंशाल्लाह उसके लिए टीम ठीक है, संभाल के रखेगी। ये सुनना चाह रहा हूँ जी। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने आपको दुआ दी है ना कि जिंदगी में अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तो समझो वही है खुशी के लम्हाते आके ले लो, वो दुआ कबूल ही अभी हो रही है। आप किताब लिख ही रही मुझे लगता है। वेरी गुड जी मैम। मेरे ख्याल से ये प्ले इसलिए आके देखना चाहिए कि एक तो वैसे ही एनवायरनमेंट इतना टफ है सबके लिए ही, तो थोड़ा सा कॉमेडी और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 1-2 घंटे तो आप अपने आप को सुकून के दे सकते हैं ना। और 600 रुपये मेरे ख्याल से उसके लिए इट्स वर्थ इट। एब्सोल्युटली जरूर जी। गुस्से वाली मैम, इसके 2 पॉइंट्स है मेरे पास। दोनों बता दें। पहला पॉइंट तो ये कि एक कहानी है, कहानी के अंदर मुख्तलिफ कहानी चल रही है, एक बंदा जाता है, दूसरा आता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, तो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये दिखाने के लिए कि थिएटर असली में क्या है। वेरी नाइस, ये चीज़ ठीक है जी। सजील भाई, तो बस यही है कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं कि यहाँ पे किस किस्म का काम होता है और ये सीखने का अमल क्या है, वो जानने के लिए एक तो लोग आएँ और वो देखें कि हम भी उन्हीं की तरह यूथ हैं, हम यंग लोग हैं, जो एक सीख के जो बंदा काम करता है और एक जो बगैर सीखे अगर करने की कोशिश करेगा तो क्या फ़र्क होगा उस प्रोसेस में, वो देखें वो जानें। बिल्कुल ठीक है जी। कैप्टन ऑफ द शिप सर, क्यों देखा जाए 100 दिन चोर के? एक तो ये कि ये सेटअप के बाद उसका जो इनिशियल सेटअप है जी 5 से 10 मिनट का, उसके बाद ये रोलर कोस्टर राइड है, क्या इट्स जस्ट अटर मैडनेस एंड हिलैरिटी ऑल थ्रू आउट। दूसरा ये कि इसको सही प्ले करने के लिए जिस किस्म की एफर्ट रिक्वायर्ड है उसका मजा भी आपको आएगा इसको देखने में। वाह,
बिल्कुल ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग ईद की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाएंगे और 100 दिन चोर के आर्ट्स काउंसिल में जाके देखेंगे 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक, सिर्फ 600 रुपए के टिकट है। बहुत सारे लोग फिल्म्स भी जाके देखते हैं तो इस पे भी इन्वेस्ट कीजिए, ये भी हमारी ही चीज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर्स हैं, एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनने को मिल रही है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो एक सीजनड डायरेक्टर भी हैं, उसके साथ साथ नज़र साहब परफॉर्म कर रहे हैं, तो लाजमी जाके आपको देखना चाहिए। मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि ना सिर्फ इसको देखिए बल्कि इसको प्रमोट भी कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें प्रमोट होती हैं तो इनको फुटफॉल मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है थिएटर की इंडस्ट्री को कि हम उसको खुद प्रमोट करें। हमारी भी कोशिश होगी, मेरी और आदि की भी, कि हम इसको जितना प्रमोट कर सकें करें। जो उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले काशिफ भाई मौजूद हैं। काशिफ भाई क्या सुनाने वाले हैं आप? एक फोक गीत है। फोक गीत? हाँ तो सुनाए बिस्मिल्लाह। इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरी आंखों में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी दुनिया की लहरों से डरना क्या।